नमस्कार दोस्तों, फैट टू फिट में आप सभी का स्वागत है। फैट टू फिट का लक्ष्य आपके मोटापे को घटाना, मांसपेशियों को बढ़ाना और एक स्वस्थ जीवन व्यतीत करने में आपकी सहायता करना है। न्यूट्रिशन बेसिक कोर्स के फिफ्थ चैप्टर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड के बारे में चर्चा करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट खाली डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए नहीं बल्कि बॉडी बिल्डर्स के लिए भी बहुत ही बहुत जरूरी है। अगर आपको डायबिटीज है तो आपको पता होगा कि आपको अपने डेली कार्बोहाइड्रेट इंटेक मेजर करना चाहिए, पर अलग अलग कार्बोहाइड्रेट से भरे फूड्स हमारे शरीर के ब्लड शुगर लेवल को डिफरेंट तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। यहाँ ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड जैसे शब्द बहुत ही बहुत कीमती हो जाते हैं। कोई भी टाइप के फूड आपके बॉडी में जाकर ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकते हैं और इसलिए सारे फूड्स को 0 to 100 के स्केल में एक नंबर दिया गया है। ये सारे नंबर्स ग्लूकोज के ग्लाइसेमिक इंडेक्स से डिराइव किए गए हैं। ग्लूकोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 100 और वहीं मीट या एग का है 0। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड बहुत जल्दी से डाइजेस्ट और अब्सॉर्ब हो जाते हैं और ब्लड में रिलीज हो जाते हैं, वहीं पे वो ब्लड शुगर लेवल को बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर देते हैं। वहीं लो जीआई फूड बहुत ही स्लोली डाइजेस्ट और अब्सॉर्ब होते हैं और ब्लड शुगर लेवल को स्लोली रेज करते हैं। इन जनरल जितना प्रोसेस फूड होगा उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स उतना ही ज्यादा होगा और जिस फूड में फाइबर्स और फैट ज्यादा होता है वहां ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही कम होता है। ऑफिशियल गाइडलाइंस के हिसाब से हाई जीआई फूड का स्कोर होता है 70 या उससे ऊपर, मीडियम जीआई का स्कोर होता है 56 टू 70 के अंदर और लो जीआई का स्कोर होता है 50 के नीचे। तो अगला सवाल जो आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि ये फूड्स का जीआई वैल्यू आखिर कैलकुलेट कैसे किया जाता है। एक 10 लोगों के ग्रुप को ओवरनाइट फास्टिंग करवाया गया और फिर उनको एक फूड आइटम की सर्विंग दी गई। इस सर्विंग में 50 ग्राम नेट कार्बोहाइड्रेट था। नेट कार्बोहाइड्रेट का मतलब टोटल कार्बोहाइड्रेट्स में से आप फाइबर्स को हटा दें। इस फूड को खाने के बाद हर 15 से 30 मिनट के अंदर उन 10 लोगों का ब्लड शुगर लेवल कैलकुलेट किया गया। ये क्रिया 2 घंटों तक चलती रही। रिजल्ट्स को एक ग्राफ पर प्लॉट किया गया और इसके बाद इन लोगों को 50 ग्राम रेफरेंस कार्बोहाइड्रेट दिया गया जो वाइट ब्रेड या ग्लूकोज था। सेम प्रोसेस को फॉलो किया गया और रिजल्ट्स को फिर एक ग्राफ में प्लॉट कर दिया गया। रेफरेंस फूड के कर्व के अंदर जो एरिया आया उसको 100 की वैल्यू दी गई और टेस्ट फूड के अंदर जो रेफरेंस फूड का एरिया आया उसको कंपेयर किया गया और जो परसेंटेज निकला वही फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स या जीआई बन गया। ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमें काफी कुछ बताता है पर ये सारी कहानी नहीं बयान करता। ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमें यह नहीं बताता कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी फूड खाने से आपका ब्लड शुगर लेवल कितना हद तक बढ़ सकता है क्योंकि हम इसमें फूड अमाउंट को कंसिडर करते ही नहीं। यहाँ पे ग्लाइसेमिक लोड जैसा शब्द फूड को एनालाइज करने का एक बहुत ही उमदा तरीका है क्योंकि ये पोर्शन साइज को भी कंसिडर करता है। ये इसलिए कीमती है कि इवन दो पिज्जा का ग्लाइसेमिक इंडेक्स एप्पल के मुकाबले कम होता है, पिज्जा खाना बहुत ही ज्यादा आसान है जो ब्लड शुगर लेवल को काफी इम्पैक्ट कर देता है। ग्लाइसेमिक लोड कैलकुलेट करने का इक्वेशन है अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स इन द पोर्शन साइज इनटू ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ फूड डिवाइडेड बाय 100। अगर फूड का ग्लाइसेमिक लोड 20 का होता है तो वो ज्यादा ग्लाइसेमिक लोड होता है, अगर 11 to 19 होता है तो वो मीडियम है और 10 या उसके नीचे तो मतलब लो ग्लाइसेमिक लोड। अब हम इसको कुछ एग्जाम्पल के साथ डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। यहाँ हमारे पास 1 कप पाइनएप्पल है जिसमें 19.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है और 2 ग्राम फाइबर है। इसका मतलब कि 17.5 ग्राम नेट कार्बोहाइड्रेट। फिर है 1 कप तरबूज जिसमें 11.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 0.6 ग्राम फाइबर, मतलब कि लगभग 11 ग्राम नेट कार्बोहाइड्रेट। तीसरा हमारे पास है 2 स्लाइस ऑफ वाइट ब्रेड जिसमें 24 ग्राम नेट कार्बोहाइड्रेट है। पाइनएप्पल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 66, तरबूज का है 72 और वाइट ब्रेड का है 70। ये तीनों ही हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैटेगरी में आते हैं। अब अगर हम ग्लाइसेमिक लोड कैलकुलेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि पाइनएप्पल का ग्लाइसेमिक लोड 11.5, तरबूज का 7.92
और व्हाइट ब्रेड का है 16.8। इसका मतलब तरबूज का ग्लाइसेमिक लोड लो है, वहीं दूसरी ओर पाइनएप्पल और व्हाइट ब्रेड का ग्लाइसेमिक लोड मीडियम में फॉल करता है। आमतौर पर दो स्लाइस व्हाइट ब्रेड कोई नहीं खाता, और अगर हम दो की जगह चार स्लाइस व्हाइट ब्रेड खाते हैं तो ये लोड जो है वो डबल हो जाता है और वो मीडियम से हाई हो जाता है। तो पोर्शन कंट्रोल करना बहुत ही कीमती है, और कोई भी फूड ओवर ईट करने से ग्लाइसेमिक लोड बहुत हद तक बढ़ सकता है। इसलिए डायबिटीज मैनेजमेंट में कार्बोहाइड्रेट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कई फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं, कि जैसे फूड को कैसे कुक किया गया है। धीमी आंच पर खाना बनाने से जीआई ज्यादा नहीं बढ़ता है एज कम्पेयर टू माइक्रोवेव कुकिंग। इसके अलावा फूड जितना प्रोसेस्ड होगा उसका जीआई उतना ही हाई होगा। बिसाइड इस फूड के साथ कौन कौन से अन्य फूड यूज हो रहे हैं जीआई उस पर भी बहुत हद तक डिपेंड करता है। जैसे अगर आप चावल के साथ दाल मिलाते हैं तो उसका टोटल ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम हो जाता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड बहुत ही यूजफुल है जब हम ब्लड शुगर लेवल के एंगल से देखते हैं, पर लो जीआई या जीएल का ये मतलब नहीं कि फूड हेल्दी या अनहेल्दी हो गया। ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड फूड को इवैल्यूएट करने का एक बहुत ही हेल्पफुल टूल है, बट वन एंड ओनली टूल नहीं। हमें ये भी देखना चाहिए कि फूड में कितना फाइबर्स है, फैट्स है, फूड की प्रोसेसिंग कितनी की हुई है और उसको कैसे पकाया गया। बहुत सारे रिसर्चर्स हमें ये भी बताते हैं कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड सोर्सेज खाने से हंगर को डिले किया जा सकता है और ये कैलोरिक डेफिसिट मेंटेन करने में आसान बना देता है। सिंपल सा उपाय ये है कि आप प्रोसेस्ड फूड को लिमिट करें और होल फूड ज्यादा खाएं, पर कोई भी पसंदीदा फूड आइटम को कम्प्लीटली ना हटाएं, बल्कि कम क्वांटिटी में कंज्यूम करें। कोर्स में आगे जाके जब आप डाइट प्लान बनाएंगे तो सीखेंगे कि ये जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि टोटल कार्बोहाइड्रेट्स का ध्यान जरूर रखें। अगर आप डायबिटीज से जूझ रहे हैं तो अपने कार्बोहाइड्रेट इंटेक को 70-90 ग्राम या उससे कम रखें, पर याद रखें कि एज अ न्यूट्रिशनल कंसल्टेंट कोई भी एक डाइट सबके लिए फिट नहीं होती। पर्सनलाइज मील प्लान जिसमें इंडिविजुअल की फूड चॉइसेस का ध्यान दिया जाए वो ज्यादा सफल होती है और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स देती है। कोर्स को पूरा समझने के लिए हर चैप्टर्स को ध्यान से देखें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।